गुड मॉर्निंग क्लास 8 की हिंदी में आज हम लोग महान व्यक्तित्व में पाठ 6 पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास। कालिदास जो हैं वो संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाग्रंथों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना महाकवि कालिदास ने ही की थी। क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की है। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। यह किस ग्रंथ की बात यहाँ की गई है? मेघदूत की। मेघदूतम कौन लिखे हैं? कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं लिखा। किसने? कालिदास ने। अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। पत्नी की प्रेरणा से वह काली जी की उपासना की और उनको कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई, और इस तरह से काली जी की उपासना करने के कारण उनका नाम कालिदास पड़ गया, ऐसा कहा जाता है। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम दे, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेष, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। कौन से? अस्ति कश्चित् वाग्विशेष। इसे जानिए क्या है। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित् से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाग् से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना हुई। कौन किए? कालिदास। पत्नी के द्वारा कही गई बातों से उन्होंने 3 ग्रंथों की शुरुआत की। 3 शब्दों से 3 ग्रंथों की शुरुआत की। महाकवि कालिदास ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है कि वे शिव भक्त थे। किससे पुष्टि होती है? उनके ग्रंथों के जो मंगल श्लोक हैं उनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास शिव जी के भक्त थे। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी, क्योंकि मेघदूत और रघुवंश दोनों में यात्रा का वर्णन है। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। क्योंकि उनके काव्यों से ऐसा लगा कि वो बहुत अधिक यात्रा किए हुए हैं, पूरे भारत वर्ष की यात्रा, विस्तृत यात्रा किए हैं। इसी कारण उनके भौगोलिक सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। जो भी वो ये वर्णन किए थे वे भौगोलिक सत्य और स्वाभाविक लगने लगे। ऐसा लगा कि वे हर जगह की यात्रा करके स्वयं अपने अनुभव को उसमें लिखे हैं। रचनाएं कौन कौन से हैं? कालिदास द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, महाकाव्य में है रघुवंश, कुमार संभव, नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, खंड काव्य या गीत काव्य है ऋतु संहार, मेघदूत। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र। खंड काव्य या गीत काव्य क्या है?
ऋतु संहार और मेघदूत महाकाव्य के हैं रघुवंश और कुमार संभव। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। यानी कि कवि कालिदास के ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करके ही ये अपने ग्रंथों की रचना की है। यानी कि वे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किए थे। कौन? कालिदास। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। यानी कि कालिदास की जो कालिदास के द्वारा जो लिखे गए किताब हैं वो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। यानी कि उनका जो लेखन था वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित था। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की विदाई वेला पर महर्षि कर्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए संदेश है। कर्ण ऋषि ने शकुंतला की विदाई के समारोह पर शकुंतला को कुछ उपदेश दिए जिसका कुछ अंश यहाँ है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। यह अंश अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। कौन? कालिदास। कालिदास प्रकृति के हर वस्तुओं में वो मानवता को देखते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। कौन? प्रकृति की हर वस्तुएं। शकुंतला की विदाई वेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतल का अंश यहाँ दिया गया है। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है। हिरणी जो है हिरण वो कोमल यानी घास खाना छोड़ देती है। मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगती हैं। यानी कि शकुंतला से बिछड़ने के दुख में कोमल हिरणी जो है वो कोमल घास खाना छोड़ देती है यानी कि कुछ खाना छोड़ देती है। मोर नाचना बंद कर देते हैं। लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर अपनी प्रिय सखी के वियोग में मानो अश्रु गिरा रहे हैं। ऐसा लिखा गया कहां? अभिज्ञान शाकुंतल में। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। कौन? कालिदास। क्योंकि वह उपमा बहुत सारे उपमा यानी कि तुलना बहुत सारे वस्तुओं का किए हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई वेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्र किया है। यानी कि प्रकृति जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो अपने अपने उपहार शकुंतला को भेंट करते हैं। उस किस प्रकार भेंट करते हैं यहाँ दिया गया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। किसी ने पैरों को रंगने के योग्य आलकतक आलता महावर दिया महावर प्रकट किया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों हथेलियों से आभूषण दिए। यानी कि शकुंतला का जो साज सज्जा है वो प्रकृति से मिले उपहार से ही सुशोभित है। वन के अनेक वृक्षों ने अपने अपने द्वारा उत्पादित सभी प्रकृति से संबंधित उपयोगी वस्तुएं शकुंतला की विदाई में दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक
सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। किसका? अभिज्ञान शाकुंतल का, यानी कि सभी भाषाओं में लोग इसको बहुत पसंद किए हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पढ़कर भाव विभोर उठे और कहा, यदि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटकों की रचना की, वैसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, वैसे भारत में कालिदास जो हैं वो अब संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। यानी जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों का आधार है, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं। यानी उन कालिदास की जो रचनाएं हैं वो उनकी प्रशंसा विश्व में की जा रही है।